वहीं युवा कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय बैठक आज है, बेहद खास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शिरकत कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सह प्रभारी अमृता धवन इस दौरान क्या कुछ कह रही है, चलिए सुनवाते हैं। कि अगर आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा है और आप पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, तो कांग्रेस पार्टी में यूथ कांग्रेस का वो हर व्यक्ति उस शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सकता है जिसका वो सपना रखता है। क्योंकि हम युवा हैं और हम सब इसी उम्र से गुजरे हैं, इस उम्र में जोश बहुत होता है, जोश बहुत होता है, और हमें लगता है कि इस जोश के साथ हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि युवक कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इतिहास आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवास जी मौजूद हैं, आ गए हैं, उपस्थित हैं, फ्लाइट लेट होने के कारण पहुंच नहीं पाए थे। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीनिवास जी। आ गए अध्यक्ष जी, अच्छा ये तालियों से स्वागत करें अपने अध्यक्ष का। श्रीनिवास जी, आपके आने से पहले मैं यही बता रही थी कि एनएसयूआई का और यूथ कांग्रेस का जो भी व्यक्ति समर्पित कार्यकर्ता होता है वो इस मंच तक जरूर पहुंच पाता है, और आप सब उसका उदाहरण है। साथियों, ये जो जोश है ना, इसको जिंदा रखना है, और सिर्फ नारों तक जिंदा नहीं रखना है, हमें इस जोश को परिवर्तित करना है कि जो कांग्रेस की पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने एक दूरदृष्टि के साथ मुखिया के रूप में राजस्थान की जनता को दिया है, ये आवाज उस जनता तक भी पहुंचनी चाहिए। यूथ कांग्रेस का संगठन इतना बड़ा संगठन है, आज यूथ कांग्रेस को 62 साल हो चुके हैं। 1960 9 अगस्त में यूथ कांग्रेस की नेशनल काउंसिल बनी, और उसके बाद फॉर्मली 1971 में हमें पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले थे प्रियरंजन दास मुंशी जी। आप साथी हमारे यूथ कांग्रेस के हैं, पार्टी के इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास ही वर्तमान की नींव रखता है, भविष्य की नींव रखता है। ऐसे ऐसे चेहरे हम लोगों के नेता रहे हैं, मैं मानती हूं कि जितनी लंबी फेयर लिस्ट आप निकालेंगे, आप अपनी पीठ पे थपथपी करेंगे कि मैं यूथ कांग्रेस का सिपाही हूं और मैं भी कभी वहां तक पहुंच सकता हूं। लेकिन आज हमारी लड़ाई उन फिरका परस्त ताकतों के साथ है। आजादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत से हमारी लड़ाई थी, और आजादी के बाद ऐसे विभाजनकारी फिरका परस्ती ताकतों के साथ हमारी लड़ाई है, जो देश को, जो राजस्थान को धर्म के नाम पर लड़ने और बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में क्या काम किया जाता कि राजस्थान के लोगों के अंदर सद्भाव बना रहता, राजस्थान के लोगों के अंदर मोहब्बत बनी रहती, राजस्थान के लोगों को जोड़कर एक विकास की बात की जाती, तो ऐसा मॉडल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता को दिया है। आप पूरे हौसले के साथ जा सकते हैं जनता के बीच में। मैं भी बहुत सारे महंगाई राहत कैंपों में गई हूं, आप जाइए जनता के बीच में, आप सुनिए वो क्या कहते हैं, और जितने लोगों से मुलाकात हुई है सब कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसी योजनाएं राजस्थान में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और राजस्थान तो छोड़िए, ऐसी योजनाएं पूरे देश में किसी ने कल्पना नहीं की थी। 25 लाख का जीवन बीमा, मेरे इतने सारे साथी हैं, आप सब लोग, कुछ लोग दिल्ली में भी लगातार जाते हैं, मैं दिल्ली से आती हूं, दिल्ली वाले भी आज की डेट में 1200 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान की बहनें जो है उनको 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। एक समय था जब सिलेंडर का भाव आदमी को नहीं पता होता था, सिर्फ औरत को पता होता था, पर जैसे जैसे दाम बढ़ते जा रहे थे भाजपा के द्वारा, हर दूसरे महीने में 15 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, करते करते 410 रुपए से मात्र 8 सालों में उस दाम को ये 1200 तक ले आए, जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने 400 रुपए पार नहीं होने दिया, इन्होंने 7 और 8 साल के अंदर इसको 1200 रुपए पार कर दिया। और सबसे बड़ा मील का पत्थर क्या साबित हुआ है साहब, मैं योजनाओं के जरिए लोगों से जब मिलती हूं, सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है जो महिला मुखिया है इन योजनाओं की, आपकी
माता जी इसकी मुखिया आपकी होगी, वो इन योजनाओं की मुखिया है, उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फाइनली उनको वो अधिकार मिल रहा है कि घर चलाती भी वो है और योजनाओं का हक भी वो रखती है। आज जरूरी है कि इन योजनाओं के बारे में आप लोगों को बताएं। यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि डोर टू डोर जाए, जो स्टूडेंट और यूथ आप उस तक पहुंचना है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है आपने उसके घर जाना है, उसके बारे में बात करनी है और उसको कांग्रेस पार्टी तक, और जो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं आप उन तक पहुंचिए, जो लोग अभी वोटर ही बने और वोटर मदद करिए, क्योंकि जो है वो कोरे कागज की तरह होती है, उसको वो याद रखता है। मुझे पूरा विश्वास है यूथ कांग्रेस के लोग जब घर घर जाएंगे तो युवा बाहर निकल के कांग्रेस पार्टी को और समर्थन देगा और फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में आएगी।